Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Group. Today we are here to discuss about class 9th SST Social Science worksheet number 26. Today's worksheet is quite easy and very interesting one. बहुत आसान है आज की भी worksheet. In this worksheet we are going to discuss about Russian Revolution, रूसी क्रांति, उसकी हम बात करेंगे. First of all we'll discuss about the content. After that we'll discuss about the question answers. Let's begin. As it is visible on your screen, this is worksheet number 26. Subject Social Science, history is going on. Date 3rd of September 2020. Russian Revolution Part 4. तीन पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं. आज हमारा फोर्थ और लास्ट पार्ट है. After 1917 Revolution, 1917 में दो रेवोल्यूशन होती है, Feb Revolution and October Revolution. After the October Revolution, Bolshevik came into power. Bolshevik का वो पावर में आ जाते हैं. And इलेक्शन वॉज हेल्ड फॉर द कंस्टिट्यूट असेंबली. कंस्टिट्यूट असेंबली है यानी कि किसके लिए, टू फॉर्म द, टू फ्रेम द कंस्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, उसके लिए कंस्टिट्यूट असेंबली के इलेक्शन होते हैं. एंड बोल्शेविक लॉस्ट दोज इलेक्शन. बोल्शेविक है उन इलेक्शंस में हार जाते हैं. सो लेनिन टुक द अदर पाथ. लेनिन दूसरा तरीका अपनाते हैं. दे डिसमिस्ड द कंस्टिट्यूशन असेंबली को डिसमिस कर देते हैं. एंड दे डिक्लेयर्ड रशिया एज ए वन पार्टी स्टेट और वन पार्टी कंट्री, वो डिक्लेयर कर दिया जाता है. ओनली बोल्शेविक्स वर अलाउड टू कंटेस्ट द इलेक्शन इन रशिया. रशिया में केवल बोल्शेविक पार्टी को ही परमिशन मिलती है इलेक्शन लड़ने की. तो ये सब कुछ होता है 1917 के बाद. देन रशियन सिविल वॉर ब्रोक आउट. रशिया में सिविल वॉर है वो शुरू हो जाता है. किसके बीच में शुरू होता है? द सिविल वॉर वॉज बिटवीन और अमंग, वी कैन से दैट रेड्स. रेड कौन थे? बोल्शेविक. ग्रीन्स, ग्रीन मीन्स नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट. एंड थर्ड वन, थर्ड ग्रुप वॉज द वाइट्स. वाइट्स मीन्स हु वर इन द फेवर ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड हु वर इन द फेवर ऑफ ऑटोक्रेसी. यानी कि जो ऑटोक्रेसी के फेवर में थे वो वाइट थे, ग्रीन्स थे, जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे, और बोल्शेविक थे जो रेड्स थे, उनके बीच में युद्ध होता है. एंड दैट कंटिन्यूड फॉर फोर ईयर्स, चार वर्षों तक चलता है. एंड इन द एंड बोल्शेविक डिफीटेड और द रेड आर्मी डिफीटेड द ग्रीन्स एंड द वाइट्स. अब ये जो सिविल वॉर है उसके कारण क्या थे? उसके तीन कारण थे, तीन कॉज थे. फर्स्ट, देर वॉज डिस्टिग्रेशन इन द आर्मी. डिसइंटीग्रेशन इन द आर्मी, आर्मी में फूट पड़ जाती है. बिकॉज मैनी सोल्जर्स लेफ्ट द आर्मी, दे मूव बैक टू देयर विलेजेस एज दे हर्ड अबाउट द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड अमंग द पीजेंट. जब जैसे उन्हें पता चला किसानों में भूमि बंट गई है, तो ज़्यादातर जो सोल्जर्स थे कौन थे, वो किसान की फैमिली से थे, वो वापस चले जाते हैं. सो आर्मी, रेड आर्मी बिकम वीकर, कमजोर हो गई थी. सेकेंड, मेनी पीपल वर देयर इन रशिया हु डिडंट फॉलो और दे डिडंट लाइक बोल्शेविक, जो बोल्शेविक को नहीं चाहते थे, एक ग्रुप ऐसा भी था. थर्ड, मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री वर अंडर द ग्रीन्स एंड द वाइट्स. ग्रीन और वाइट के अंडर में थे. अब उनको अगर ऑक्यूपाई करना था तो युद्ध होना निश्चित था. फोर्थ रीजन वॉज दैट दीज ग्रीन्स एंड वाइट्स वर सपोर्टेड बाई USA, ब्रिटेन, फ्रांस एंड जापान. बिकॉज दे डिडंट वॉन्ट, क्या नहीं चाहते थे? दे डिडंट वॉन्ट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म, सोशलिज्म. वो नहीं चाहते थे कि सोशलिज्म का फैलाव हो. तो इस कारण से वहाँ पर सिविल वॉर होता है. एंड दैट कंटिन्यूड फॉर फोर ईयर्स. देन बिग स्टेप्स आफ्टर द रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन के बाद कुछ बड़े कदम उठाए गए थे. वट स्टेप्स वर टेकन बाय लेनिन टू सपोर्ट द डिक्लाइनिंग इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. क्योंकि इकोनॉमी उस वक्त काफ़ी ज़्यादा बुरे हालात में थी, तो उसको सपोर्ट करने के लिए बैंक्स एंड मिनी अदर प्रॉपर्टीज वर नेशनलाइज्ड. बैंक थे, इंडस्ट्रीज थे, उनको नेशनलाइज्ड किया गया. एंड फाइव ईयर्स प्लान्स पॉलिसी वॉज अडोप्टेड. फाइव ईयर्स प्लान, जिसको हम हिंदी में पंचवर्षीय योजना बोलते हैं, उसको अडोप्ट किया गया. एंड दैट वॉज ए ह्यूज सक्सेस, जो बहुत बड़ी सक्सेस सिद्ध होती है. इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन इंडिया टू, वी अडोप्टेड दैट फाइव ईयर प्लान को, हमने अडोप्ट किया था. दोज हु रेजिस्टेड व स्वेरली पनिश्ड. इसके साथ साथ जो विरोध में थे, विरोधी थे, उनको पनिश किया गया. स्पेशल केयर वॉज गिवन टू द आयरन, स्टील, ट्रांसपोर्ट एंड मशीन इंडस्ट्रीज. स्पेशल फोकस वॉज मेड ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. तो ये कुछ किया गया था इकोनॉमी को रिफॉर्म करने के लिए. क्या क्या किया गया था? बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज वर नेशनलाइज्ड. फाइव ईयर प्लान्स वॉज एडोप्टेड.
and special focus was made on the industries. Next one is that considering the education to reform the society, the focus, special emphasis was made on the education and specially on the vocational education. Education was made compulsory. Education hai usko compulsory kar diya gaya. So education ko compulsory karne ka ek karan ye bhi tha ki they wanted to reform the society and they wanted to spread the Bolshevik ideas ko spread karna chahte the. Isliye education ko compulsory kar diya gaya. Living quarters for workers were given. Crèches for women workers and provision of equal wages were done. महिलाओं के लिए भी काफ़ी कुछ किया गया. Crèches were introduced and second equal work, equal pay was introduced for the women. एक समान वेतन उनको दिया गया. Stalin after that, यानी कि ये सब कुछ हुआ था between 1917 to 1922. After the death of Lenin, Stalin came into power. Stalin है वो power में आते हैं. And who ruled after Lenin applied the communist thoughts more strictly. उन्होंने और ज़्यादा strictly communist thought है उनको लागू किया. In 1927, a confrontation took place between farmers and governments के बीच में टकराव होता है. The reason was that land were taken from the जो कुलक्स थे उनसे land ले ली जाती है. And lands were also taken from the small farmers. Small farmers से भी land ले ली जाती है. So Stalin decided to implement the communist thoughts strictly, even more strictly. उन्होंने उसको लागू करने का decision लेता है. So in the beginning, Stalin was opposed by the farmers. Whether it is the big farmer, large farmer or the small farmer, दोनों ही उसका oppose करते हैं. And second thing is that in the beginning years of the Stalin, the condition was not in the favor of Stalin because at that time the Russia had to face the drought. वहाँ पे सूखा आता है और millions people were died in that one. वहाँ पे famine के कारण लाखों लोग मारे जाते हैं. And over 2 million people were sent to exile in Siberian jail. और 2 million के आसपास लोगों को साइबेरिया में भेज दिया जाता है. So in the beginning Stalin faced a lot of oppose from the people, but he was firm, he was determined. वो determined थे किसके लिए? कम्युनिस्ट रूल को सेटअप करने के लिए. द इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन. रशियन रेवोल्यूशन की अगर हम वर्ल्ड इन्फ्लुएंस की, ग्लोबल इन्फ्लुएंस की बात करें तो दो असर पड़े थे, दो प्रभाव पड़े थे पूरे विश्व के ऊपर. फर्स्ट, कम्युनलिज्म और सोशलिज्म बिकेम पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड. सोशलिज्म है वो पॉपुलर हो जाता है पूरे विश्व में. सेकेंड इज दैट द वर्ल्ड वॉज डिवाइड इन टू टू ग्रुप्स, अमेरिकन ग्रुप एंड द रशियन ग्रुप. दैट्स ऑल इन दिस पैसेज और इन दिस वर्कशीट. Now let to discuss about the question answers. First one is that what were the reasons of civil war in Russia in Russian Revolution, after the Russian Revolution. So following were the causes of civil war in Russia. First one, Bolsheviks seized power in Russia. Bolsheviks wo power mein aa jaate hain and they ordered the redistribution of land among the peasants. As a result, many soldiers left the army to go to their village. So it led to the disintegration of the army. Army mein phoot pad jati hai. Second, there were many people in the country who didn't support the Bolshevik. Kafi sare log the jo Bolshevik ke support mein nahi the. Third, during this period the Greens who were socialist revolutionaries and the Whites who were supporters of the Tsar were in control of most of the people of the Russian Empire. So it was necessary to have a war. तो ये जरूरी था क्योंकि आधा आधा रशिया बन चुका था. नेक्स्ट वन इज दैट दीज टू ग्रुप्स वाइट्स एंड ग्रीन्स वर सपोर्टेड बाय फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन एंड जापान बिकॉज दे डिडंट वांट टू एक्सपेंड सोशलिज्म इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सोशलिज्म फैले. सो ऑल दीज रीजन लेड टू द फर्स्ट सिविल वॉर इन रशिया. सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, आफ्टर द रेवोल्यूशन why did most of the farmers and laborers become in favor of revolution? ki revolution ke baad kafi sare farmers the, laborers the, wo revolution ke favor mein aa jate hain. It means that they decided to support Bolshevik party. Why? After the Russian revolution the lands went to the peasants, factories to the workers, the workers were given housing facilities, better wages etc.
For this reason, most of the peasants and the workers became the supporters of Bolshevik after the revolution. क्योंकि किसान हैं उनको ज़मीनें मिल गई और जो workers थे they were given the rights in the factories. Factories में उनको rights मिल गए. They were given better housing facilities. They were given better wages etc. So दोनों ही supporter बन जाते हैं Bolshevik party के. Third question is there. What measures did Lenin take after the October Revolution for the success of socialist society? Socialist society के success के लिए कौन से कदम उठाए जाते हैं Lenin के द्वारा? After the October Revolution, Lenin took the following steps for the success of socialism. First, the land was distributed among the peasants. जो peasants हैं उनके बीच में land भूमि को distribute किया जाता है. Second, special emphasis was laid on industrialization. Industrialization के ऊपर focus किया जाता है. Education was made compulsory. Housing facilities were given to all the workers and provision for kindergarten or the crèches and equal pay for women was introduced. इसके अलावा महिलाओं के लिए भी काफ़ी सारे steps उठाए जाते हैं crèche का और equal pay का. So these steps were taken by the Lenin after the October Revolution. Fourth and the last question is there. Write your thought on the global impact of the Russian Revolution. दो प्रभाव पड़े थे मुख्य तौर पर Russian Revolution के पूरे विश्व के ऊपर. First, Russia become the first socialist country in the world. Gradually, socialism become famous all over the world. धीरे धीरे काफ़ी popular होने लगा ये idea. Second, the whole world was divided into two groups of socialist Russian faction and capitalist countries American faction. That's all in this worksheet. Thank you. Bye-bye. Have a nice day.